टीमवर्क न्यू वर्ड्स। तो बच्चों टीम वर्क के जो मुश्किल शब्द हैं बुक में पीछे दिए हुए हैं, आप अगर नेक्स्ट पेज 22 पे देखोगे तो न्यू वर्ड्स देखो। फर्स्ट वर्ड है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब लिखा हुआ है कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, मतलब इकट्ठे कोई काम को करने का प्रयास करना। दूसरा हुप। हुप का मतलब वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय चाइल्ड। तो ट्रंडल्ड वर्ड हमने कभी पहले पढ़ा हुआ है? सोचो जरा, आइसक्रीम मैन में आया था, है ना, जो उसका कार्ट था उस पे वो लाइन थी ट्रंडल्ड अराउंड द स्ट्रीट, है ना। तो छोटे गोल पहियों के ऊपर, वहां भी छोटे गोल पहिए थे, तो यहाँ उन्होंने स्पेशल पहले वर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ हेयर। तो यहाँ इस कविता में हुप का क्या मतलब है? मतलब एक सर्कल लोहे का पूरा ऊपर, उसको बोलते हैं हुप बास्केटबॉल का, और उसके नीचे नेट लगी होती है। तो वो भी गोल पहिए थे छोटे वाले जिसको ट्रंडल्ड अराउंड बोला था, और ये भी वही है। तो चेक करना उसका भी मीनिंग यहाँ पे भी आया दोबारा। नेक्स्ट इज पासेस। उसका मतलब लिखा हुआ है मूव ऑनवर्ड। पास का बेसिकली हिंदी में मतलब एक से दूसरे को देना। हम बोलते पास द बुक प्लीज, पीछे किसी की कॉपी होती है हम बोलते पास मी हर नोटबुक। तो पास करना, एक से दूसरे को देना। एंड मूव फॉरवर्ड। रिले रेस। रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। ये हम सब ने देखी हुई है, हम सबको आती भी है। एक चीज को लेके भागना, दूसरे को पकड़ाना, दूसरा भी भागेगा, इट्स काइंड ऑफ अ टीम वर्क, है ना, उसको बोलते हैं रिले रेस। बेटन। शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस। जैसे कि हमने बताया कुछ भी हो सकता है, एक छड़ी हो सकती है, एक झंडा हो सकता है। बेटन, मैंने तुमको पकड़ाया, तुमने भाग के अपने दोस्त को पकड़ाया, उसको बेटन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए न्यू वर्ड्स। अब हम इसके नीचे मूव कर रहे हैं, दो और चीजें हैं लेट्स रीड में। इसके नीचे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट इज इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केट बॉल गेम देन यू कांट। अब यहां तक इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमें बास्केटबॉल की गेम में बॉल नहीं देगा तो हम क्या नहीं कर सकते? आंसर है शूट। बास्केटबॉल की गेम में शूट किसको बोलते हैं? हूप के अंदर बॉल को डालने को शूट। सो कंप्लीटिंग द सेंटेंस, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट शूट। सेकंड, इन अ रिले रेस If no one passes the baton, then, अगर कोई हमें बेटन नहीं देगा रिले रेस में तो क्या होगा? रेस कांट गो ऑन, रेस आगे नहीं बढ़ेगी। कंप्लीटिंग द सेंटेंस, इन अ रिले रेस इफ नो वन पासिस द बेटन देन रेस कांट गो ऑन। करेक्ट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Rhyming words. Complete page number है बेटा 23. Okay? Page number 23, second question. उस पेज पे सबसे पहले ऊपर. Complete the sets of rhyming words. One has been done for you. तो हमें sets को complete करना है। आप अपनी copy में ऐसा ही एक छोटा सा chart बना लेना। करना पेन से काम, ठीक है, बहुत सारे रंग बिरंगे काम मत किया करो, एक पेन या नीला या काला, ठीक है, उसे पढ़ने में और समझने में हमें भी आसानी होती है, आपको भी। ओके, सो ऊपर लिखा हुआ है वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो पोएम में वर्ड्स हैं, पहला है टीम। टीम का योर जो मैंने वर्ड बनाया उस वो है बीम। राइमिंग का क्या मतलब होता है? आवाज एक जैसी निकलती है। अर्थ मीनिंग कैन बी डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट, बट जब हम पोएम होती है ना, पोएम को क्या करते हैं,
राइमिंग वर्ड बनाते हैं, गो डो गो टो, ऐसे ताकि वो एक गाने जैसा लगे. नेक्स्ट वर्ड इज प्लस. अब इसका वर्ड मैं बनाती हूँ लेकिन आप अपना कोई सोचना. प्लस का क्या हो सकता है? बस, डन, नन, हुप, लूप, शूट, बूट, गोल, बोल, जॉय, टॉय. अब ये तो मैंने बता दिया बेटा, आप सब कोशिश करना कि आप अपना एक एक शब्द खुद का ढूंढ के लिखना, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आ जाए, ना समझ में आए, तो ये भी लिख सकते हो जो मैंने बोला है, लेकिन उससे क्या होगा, आप क्या सोचोगे, है ना? आई एम श्योर हर वर्ड के तीन चार कोई ना कोई बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आप अपना लिखना. ओके, अब नीचे है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा ये भी. रीड द पोएम. तो ये पोएम लिखी हुई है उन्होंने, उसमें पहले तो आप पोएम को पढ़ोगे. जब आप पोएम पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नीचे जो उन्होंने हमसे पूछा हमने करना क्या है. तो पोएम पढ़ें पहले. ओके, फॉर, पोएम का नाम उन्होंने रखा है फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल. ठीक है, मतलब एक कील के लिए, नेल होता है कील, दीवार पे ठोकने वाला. फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वाज लॉस्ट. फॉर मतलब नेल को लेने के लिए घोड़े का जो पैर का खुर होता है, ओके, उसको लिखा हुआ शू, वो चला गया या वो खो गया. लॉस्ट का मतलब होता है खोना. फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट. सो वो शू जो खुर बोलते हैं उसको, खुर की तलाश में घोड़ा चला गया क्योंकि वो घोड़े के पैर के नीचे लगा होता है. फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट. घोड़े को पाने के लिए घुड़सवार चला गया. फॉर वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट. अब घुड़सवार नहीं था तो युद्ध हम हार गए. फॉर वॉन्ट ऑफ अ बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट. सो पूरा साम्राज्य ही चला गया क्योंकि हम लड़ाई हार गए. एंड All for the want of a horseshoe nail. तो एंड में वो क्या बोल रहा है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कि घोड़े के खुर के कील से. That's it. Simple सी poem है, बड़ी मजेदार. अब नीचे क्या है? Now form questions for the answers given in the speech bubbles. ऊपर वाली poem को हमने पढ़ा for want of a nail. उत्तर उन्होंने बबल्स के अंदर लिख दिए. सवाल आपको बनाने हैं. पहले उत्तर पढ़ो, उत्तर की हिंदी पढ़ो और क्वेश्चन सोचो कि इसका प्रश्न क्या हो सकता है. करके बताते हैं आपको, ठीक है? आप फिर उसको अपने नोटबुक में अच्छे से सोच सोच के लिखना बेटा. ओके, पहला क्वेश्चन वन. The shoe was lost because of the nail. अब ये उत्तर है, है ना? So जो खुर था, शू यहाँ पे खुर को बोला गया, जो खुर था वो कील के लिए चला गया. अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? Why was the shoe lost? ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनेगा. उत्तर नीचे लिखा है तो आप इसी तरह से कोशिश करना अपनी कॉपी में ना ऐसे बबल बना बना के क्वेश्चंस और आंसर्स लिखना. एंड जब आप उसको रीड करोगे ना आपको पता चल जाएगा आपने सही क्वेश्चन बनाया भी है कि नहीं. नेक्स्ट है द आंसर पढ़ रही हूं मैं. द किंगडम वॉज लॉस्ट. तो अब ये आंसर है, इसका मतलब इसका क्वेश्चन क्या होगा? व्हाई वॉज द किंगडम लॉस्ट. थर्ड, द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर. ये क्वेश्चन बेटा मैं आप पे छोड़ती हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है. दो मैंने कर दिए, है ना? अब ये वाला और ये जो लास्ट थर्ड है ये आप मुझे क्वेश्चन बना के भेजोगे, मैं चेक करूंगी, ठीक है? और अगर नहीं हो पाएगा हम फिर से दोबारा करेंगे. अब हम अगले पेज पे जाते हैं, पेज 24, ठीक है? अब
अब आगे उन्होंने लिखा हुआ है, नाउ मेक थ्री मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द पोएम टीम वर्क, जो हमने टीम वर्क पोएम पढ़ी है, आप उसमें से छोटे छोटे तीन क्वेश्चंस बनाओ और उसके उत्तर लिखो, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करूंगी, सारा लेसन पढ़ाने के बाद में अब ये आपका टेस्ट है। मैंने तो टेस्ट दे दिया, पोएम भी पढ़ दी, एक्सरसाइज भी पढ़ दी, अब आप मुझे करके दिखाओ, मैं आपको चेक करके करेक्ट करूंगी बेटा, और कहीं गलत भी होगा ना उसको मैं आपको ठीक करना सिखाऊंगी, तभी हम सीखेंगे। रेडी, आगे है पिक्चर कॉम्पोजिशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बेटा, है ना। इस फोटो को तुम लोग ध्यान से देखो कि क्या क्या हो रहा है। कोई बंदा ईंटें लगा रहा है सीमेंट के साथ, कोई बंदा पेंट कर रहा है, कोई बंदा हथौड़ा और छेनी लेके दरवाजा बना रहा है, कोई बंदा सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है और नीचे से सीढ़ी पकड़ी हुई है किसी ने, और कोई ऊपर तारों से काम कर रहा है ना। अब नेक्स्ट पेज है, 25 पेज है, 25 नंबर। वहां पे ना बेटा कुछ शब्द लिखे हुए हैं इंग्लिश के, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, ठीक है। प्लम्बर, प्लम्बर कौन होता है बेटा बताओ? जो हमारे घर में हमारा फ्लश ठीक करता है, पानी का नल बह रहा होता है, तो हम बोलते हैं अरे भैया ये तो खराब हो गया, प्लम्बर को बुलाओ। हम ये तो नहीं बोलते इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो प्लम्बर जो इससे इसके रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, फ्लश ठीक करना है, टैप ठीक करना है, कोई पानी का पाइप बह रहा है, तो वो काम प्लम्बर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? बिजली। तो जो बंदा बिजली का काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। ध्यान से बेटा इसको समझ लेना, ठीक है। पेंटर बहुत इजी है, पेंट, वन हु पेंट्स इज अ पेंटर। लेबरर, मजदूरी करना, जो बंदा जो भी कोई बड़े काम कर रहा है उसके साथ उसकी कोई मदद कर रहा है ना, जो हेल्प कर रहा है उसको, उसको बोलते हैं लेबरर। मेसन, मिस्त्री, घर बनाने का काम करते हैं, ईंटों का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, उसको बोलते हैं मेसन। कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, दरवाजे बनाता है लकड़ी के, खिड़कियां बनाता है, उसको बोलते हैं, बेंच बनाता है हमारे लकड़ी के, टेबल बनाता है लकड़ी के, उसको बोलते हैं कारपेंटर। लास्ट वर्ड बेटा गार्डनर। गार्डन क्या होता है? बाग। और जो बाग बगीचे का ध्यान रखता है, हमारे फूल पत्तों का, पौधों को उगाता है, फूल उगाता है, पानी देता है, उसको बोलते हैं गार्डनर, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज भी आप करोगे, मैंने आपको हर चीज का मतलब बता दिया, फोटो देख लो आप अपनी बुक पे, और ये 5 क्वेश्चंस के जवाब देके आप मुझे भेजोगे, ठीक है। हु इज लेइंग द ब्रिक्स, ईंटें कौन लगा रहा है? 2, हु इज होल्डिंग द लैडर, सीढ़ी किसने पकड़ी हुई है? सीढ़ी पकड़ने का काम बेटा मैंने बोला ना कि कोई हेल्पर जो होता है उसको बोलते हैं। 3, हु इज द मैन ऑन द लैडर, सीढ़ी के ऊपर जो आदमी है वो कौन है? हु इज मेकिंग द डोर, दरवाजा कौन बना रहा है, हमने अभी डिस्कस किया है ना। हु इज पेंटिंग द वॉल्स, दीवारों को कौन पुताई कर रहा है? ठीक है बेटा, आधा काम मैंने किया, थोड़ा सा आप करोगे, मिलके हमारा टीम वर्क हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। करके पूरा भेजो, फिर मैं उसको चेक करूंगी और फिर हम आगे नया काम सीखेंगे।